है, क्या बात है, स्किल है लेजेंडरी। लेने का कोई प्लान नहीं है। यहाँ पर ये ऑर्डर है हमारे पास, थोड़ी देर पहले आया था और ये स्नैपडील से आया, लेकिन यहाँ पे पता कोई स्नैपडील की ब्रांडिंग नहीं थी, ना ही कोई लेबल था। ये बिल है, वैसे तो मैं खोल चुका हूँ और देख चुका हूँ इसके अंदर क्या है। एक बार मैं फिर से खोलता हूँ और दिखाता हूँ इसके अंदर क्या है। ओके, तो इसके अंदर है रुद्राक्ष की माला और ये पंचमुखी है। देखो जो सामने लगा हुआ है ना, एक सिंगल रुद्राक्ष, यही है इसमें सर पंचमुखी। और ये काफी कूल है, थोड़ी गोल्डन ब्राउन। एक और आने वाली है, ये तो अभी अभी आई है, एक आ चुकी और इसके बाद मेरे पापा ने एक और ऑर्डर कर रखे, वो भी थोड़ी देर में आ जाएगी। मैं अपने लिए खरीदूंगा, लेकिन दूसरी वाली खरीदूंगा जिसमें एक से लेके 21 तक होते हैं, या दो से लेके 21 तक। इसमें से पता है एक मुखी है, वो है पंचमुखी। मैं खरीदूंगा दो मुखी से लेके 21 मुखी तक का। वैसे तो मैं इसे पहन सकता हूँ, लेकिन ये किसी और की है, दूसरी वाली आने वाली है ना, मैं वो वाली ले लूंगा। इसे रख देते हैं वापस से बॉक्स में। कल रात को बारिश हुई थी, लेकिन पता नहीं चल रहा है यहाँ रोड पे आके। ओहो, फिर से ट्रैफिक लग गया यहाँ पे, यहीं उतर जाता हूँ मैं। भैया यहाँ से चलते हैं, यहाँ से निकलते आगे, क्योंकि अजय पता वहाँ रोड पे खड़ा है, वो है उस साइड खड़ा, वो रहा हीरो हीरा लाल। और हीरो हीरा लाल निकले, सन्नी को फोन किया, क्या कह रहा है, आ जाओ। हम लोग यहाँ से फिर जा रहे हैं रॉयल इनफील्ड के शोरूम में, जो काम कर लूँगा तो वो काम आज होएगा। ट्रैफिक को बोलो हेलो। यहाँ पे पता मैंने हेलमेट नहीं पहना हुआ, बहुत गंदा सीन हो जाएगा अगर किसी ने हमें पकड़ लिया तो। अब मेरी फट रही है और अजय की भी फट रही है, देख भाई इन्होंने भी नहीं पहने। चाचा भी भाई, मेरे को बिल्कुल ध्यान नहीं था, मैं मास्क और हेलमेट हमेशा भूल जाता हूँ। मास्क तो पहन लिया लेकिन हेलमेट भूल गया। भाई इन्होंने भी नहीं पहना, भाई बहुत लोगों ने नहीं पहना। जहाँ मिलेंगे पुलिस वाले वहाँ उतर जाएंगे, समझदारी दिखानी पड़ेगी। अब यहाँ से निकलना है आगे, बस यहीं कहीं ना मिल जाए। ध्यान रखिए वहाँ के, खुली रखी हूँ वहाँ पे पुलिस वाले, बस दिख नहीं रहे भाई। बंदे ट्रिपलिंग कर रहे हैं देखो, विदाउट हेलमेट हम तो जा ही सकते हैं। ये बंदा रोकेगा तो बंदे को रोकने दो, क्योंकि बाइक में तो वैसे भी नंबर प्लेट नहीं है, निकल जाएंगे अपन लोग आराम से। रॉयल इनफील्ड इंटरसेप्टर लेने का कोई प्लान नहीं है, अजय ऑलरेडी ले चुका है अपने क्लासिक 350, बस थोड़ा पेपर वर्क के लिए आया। और मैं यहाँ बैठा हूँ शोरूम में, और रॉयल इनफील्ड हिमालयन रेड कलर में। वीडियोस में देख के इतना पता नहीं चलता इस बाइक का, लेकिन है बड़ी कूल, और मुझे वो बड़ा कूल लगा, इंजन गार्ड। लेकिन लेने का कोई प्लान नहीं है, क्योंकि मेरे इस पे पैर नहीं आते। आ तो जाएंगे लेकिन प्रॉपर नहीं, क्योंकि थोड़ी सी ऊंची है। निकले, हमेशा के आगे पता पुलिस वाले हो सकते हैं, लग तो रहा है। देखियो लग रहा है भाई है। अच्छा यहीं कहीं से जाता कोई रास्ता? अब तो मैं परेशान हो चुका हूँ सही में, तो यहाँ पर इस बंदे का पैर जल चुका है इसके साइलेंसर से। क्या अब गर? ये इस साइलेंसर पे पता जगह पैर लग गया बेचारा, पैर जल दिखा देगा एक बार फिर करते। वो भाई देखियो कितना गर्म हो रहा है ये। यहाँ पर अजय पहली बार अपने घर में ब्रेड ऑमलेट बनाते हैं, वैसे तो बहुत बार बनाता है, लेकिन मेरे सामने बंदा पहली बार बना रहा है। प्रेजेंटेशन देखो बर्मन जोन की, क्या बात है, वो फ्लिप भी कर लेता है वो मैन, वो निकाल दो। और गंदी थे, और गंदी थे, मैं तो बिप कर दूंगा। यहाँ पे अजय ने अभी भी बनाया है ब्रेड ऑमलेट, वहाँ पे एक बन रहा है, यहाँ पर एक रखा हुआ है, और ये कूल लग रहा है। आ जाए जल्दी बन गया तो, मेरा तो मैक्रोनी और खाने का मन कर रहा है। मैक्रोनी बना देंगे सर आपके लिए, बस बताओ। तमाओ तमाओ तमाओ, अरे वाह भाई क्या बात है, स्किल्स है प्रॉपर। ये जगह डिफरेंट स्किल है, ये देखो कैसे क्या चट निकालता है। आग छोड़ रहा, आग छोड़ रहा, गरम गरम है, आग छोड़ रहा है। वो क्या बात है, क्या बात है, स्किल है लेजेंडरी। बड़े वाली डिश बनानी नहीं, चलो आ जाओ चलो। इसके साथ कॉफी हो जाती ना, चाय भी चलती। वैसे तो भाई सर्दियां चल रही हैं क्या, अभी भी इसे निकाला गैस से, अभी ठंडा हो गया। यही गलती ब्लॉग में। थोड़ा
झाड़ चोले बालों में मत जाना, अभी अभी सो के उठा हूं और मैं पता नहाया भी नहीं हूं क्योंकि मैं सीधा उठते के साथ ही चला गया था जगजात शोरूम। तो वैसे मैं ये बताने जा रहा हूं, पहले तुम ये वाला शॉर्ट्स का चैनल देखा करते थे लेकिन अब तुम पता ये वाला शॉर्ट्स का चैनल देखोगे, तो इसके पीछे एक मस्त वाली स्टोरी है। एक्चुअली मेरे साथ एक दिन हुआ ये था, मेरा फोन सही से काम नहीं कर रहा था तो मैंने अपने फोन को कर दिया रीसेट पूरे तरीके से, और जैसे ही पता मैंने अपने फोन को रीसेट मारा मेरा फोन का ईमेल एड्रेस चला गया। ईमेल का पासवर्ड वगैरह मेरे को पता नहीं था, मैं ईमेल लॉगिन कर रहा था, फॉरगेट पासवर्ड कर रहा था, लेकिन पता है मेरा ईमेल लॉगिन नहीं हुआ। मैं ऑलमोस्ट सारे तरीके इस्तेमाल कर चुका, मेरा फ्रेंड भी ऑलमोस्ट सारे तरीके इस्तेमाल कर चुका है लेकिन वो ईमेल पता लॉगिन नहीं हुआ। और जैसे ही मेरा वो ईमेल गया उसके साथ साथ मेरा यूट्यूब चैनल भी चला गया शॉर्ट्स वाला जिसमें 200 वीडियोस थी, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट चला गया जिसमें 400 करीब पिक्चर्स थी। इंस्टाग्राम अकाउंट में मैंने मेहनत करी कम से कम 2 साल और यूट्यूब चैनल में भी करीब करीब वो क्या बात है 1 या 1.5 साल। कहने का मतलब ये है मेरा ईमेल गया उसके साथ साथ मेरा यूट्यूब चैनल गया, मेरा इंस्टाग्राम गया और ड्राइव के अंदर जो भी मैंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स डाले थे ना वो सारे के सारे चले गए। तो इसी के चक्कर में मेरे को पता नया वाला यूट्यूब चैनल बनाना पड़ा, मैंने ब्रांड अकाउंट कर दिया जो मेरा मेन चैनल है ना उसी के साथ। और एक चीज बता दूं, मेरा जो पहले वाला इंस्टाग्राम अकाउंट है ना ये वाला, इसको भूल जाओ पूरे तरीके से। और मेरी जितनी भी वीडियोस है ना उन सारी वीडियोस के नीचे से पता है मेरे को अपने पहले वाले इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक हटाना पड़ेगा और नए वाले इंस्टाग्राम का लिंक डालना पड़ेगा। ये करते करते मेरी हालत खराब होने वाली है क्योंकि मेरे पास 600 प्लस वीडियोस है, फट जाएगी सही में। लेकिन मैं ऐसा करने नहीं वाला क्योंकि मैं एक वीडियो बना चुका हूं, बस छोड़ो यार छोड़ो, क्या फर्क पड़ता है पहले वाले अकाउंट में जाए दूसरे वाले अकाउंट में जाए। लेकिन मैं फिर भी बता दूं ये वाला पता है मेरा नया वाला इंस्टाग्राम अकाउंट है जिसमें मैंने कम से कम एक दिन के अंदर सारी की सारी पिक्स अपलोड करी है, कम से कम मुझे 4 घंटे या 5 घंटे लगे। और मैंने शॉर्ट वाला चैनल भी बना दिया है जो उसके अंदर 4 शॉर्ट्स डाल दिए हैं। कहने का मतलब यह है मेरा हो गया सीन खतरनाक वाला, वो भी एक ईमेल एड्रेस के चक्कर में। मम्मी नल बंद करियो। और स्कोर होली आ गई तेरे को पता नहीं चला? अमिताभ बच्चन के ऑर्डर पे करा मैंने तेरे सर पे है। बेटा का हेडफोन खराब ना तेरे। हैप्पी होली। अबे तू नाइट स्टेप है क्या? नहीं तो नहीं मरना तो बता दे। खाना नहीं खाएंगे, गोटे अपना मुंह काट ले, मैंने खुद ही गोटे खाएंगे खाना नहीं। चला जा बेटा पिट जाएगा।